तो दर्शकों, स्पॉटलाइट कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। कार्यक्रम के इस खंड में हम आपसे एक ऐसे व्यक्तित्व से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिसका समाज सेवा के क्षेत्र में एक लब्ध प्रतिष्ठित नाम है। वैसे तो वो वित्तीय मामलों और व्यापार मामलों में और अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में एक कंसल्टेंट की भूमिका निभाते हैं, लेकिन समाज में उनकी बहुत वृद्ध भूमिका है। मेरी मुराद है KL मल्होत्रा जी से। KL मल्होत्रा जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। मैं दर्शकों इनके बारे में बता दूं कि मल्होत्रा जी इंडियन काउंसिल फॉर यूएन रिलेशंस और इंडियन काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स के महासचिव भी हैं और देश विदेश में बाल श्रम, मानवाधिकारों के लिए एक जागरूकता अभियान छेड़े हुए हैं। मल्होत्रा जी, आप दो दो संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो पूरे साल भर की गतिविधियां क्या रहती हैं आपकी? प्रिय मित्र, मैं दो संस्थाओं से नहीं जुड़ा हुआ, मैं लगभग 15-20 संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूं। उसमें विशिष्ट रूप से हमारी संस्था है इंडियन काउंसिल फॉर ह्यूमन रिलेशंस, जिसके दो लक्ष्य हैं। एक तो ये है कि जो ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार और मानव कर्तव्य हैं, उनकी चेतना के बारे में लोगों को जागृत करना, और दूसरा हमने एक इशू लिया हुआ है चाइल्ड इन पावर प्रोजेक्ट्स, बच्चों की विशेष समस्याओं का, जैसे कि अंध विद्यालय है। दिल्ली में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर वधर और मूक रहते हैं, और हमने वहाँ पर उन लोगों को कई सामान मुहैया कराए हैं। और अभी हम कल ही एक ऐसी स्थान पर जहाँ लोग धनाढ्य व्यक्ति रहते हैं, बड़े राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ व्यक्ति रहते हैं, वसंत विहार क्षेत्र में, उनके जो ड्राइवर हैं, उनके जो घर में नौकरानियां काम करती हैं, उनके बच्चे स्कूल में जब पढ़ते हैं, उन बच्चों के लिए कमरे बनवाना, सफाई करना, किताबें देना, इस तरह के बहुत सारे काम हम करते रहते हैं। पर एक हमारा विशेष आयोजन ये रहता है कि हम अपने राष्ट्रीय पर्वों को मनाएं। कई सालों से हम कई कई एम्बेसियों में अपने देश के राष्ट्र दिवस को मनाते हैं, त्योहारों को मनाते हैं, जिससे कि एक इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग रहे, एक दूसरे का ज्ञान रहे कि हमारी संस्कृति इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम और इन सब जितने आसपास के देश हैं, बर्मा, सब जगह भारतीय संस्कृति की झलक नज़र आती है जब हम उनसे मिलके कुछ काम करते हैं। तो दर्शकों, अब वक्त हो गया है आपसे अलविदा लेने का। अगले हफ्ते इसी कार्यक्रम में नई शख्सियतों के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।